क्या है जरा? किसका फोन था? माहित नहीं, लगता रॉन्ग नंबर था। झोपा हो तुम्हें? फोन लगा उसको, देख ले कहाँ है। रुक मैं देखती हूँ। क्या हुआ? नहीं लग रहा है उसका फोन। क्या? जा मुकुल के पास जाना। आई इतनी रात हो गई है। नहीं जाना है तो मैं जाती हूँ। आई रुक। नहीं नहीं मुझे रुक, मैं आई रुक मैं जाती हूँ। कौन है ये लड़की? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक माँ अपनी ही बेटी से इस कदर नाराज थी? ये केस जब परत दर परत खुलेगा तो रूबरू होगी एक ऐसी हकीकत जिसे जानकर आप तंग रह जाएंगे। मुंबई के उपनगर भयंदर का ये केस आपके सामने अपराध की एक ऐसी तस्वीर पेश करेगा जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। हेलो बबलू मामा, मैं सुधा बोल रही हूँ। जयेश आया क्या वहाँ पे? नहीं है। नहीं कुछ नहीं, वो बोल रहा था मुझे कि इस हफ्ते आपके यहाँ आने वाला है, तो मुझे लगा शायद आपके यहाँ आया होगा इसलिए फोन किया। ठीक है। वो वहाँ पे भी नहीं है। अरे क्या हुआ, मिला? नहीं। कुछ पता चला? हाँ सनी से बात की, वो कह रहा था कि जयेश भाई कल शाम को 6 बजे वहाँ से निकल गए थे, और मैंने बाकी दोस्तों से भी पूछा, किसी को कुछ नहीं पता है। मुझे बिना बताए आज तक वो कभी बाहर नहीं गया। आई शांत हो आई। मैं तो कहता हूँ आप लोग पुलिस के पास जाओ, मैं एक दो जगह और देखता हूँ। तू भी ना यार, अलग करके भाई। भाई पुलिस को फोन करते। मरने दे साली को, चल चुपचाप निकलते इधर से, चल जल्दी। जयेश गणेशपुरी नाम है साहब, उसका खुद का जिम है और उसी जिम में वो ट्रेनर भी है। जिम का नाम क्या है? एक्सरसाइज ऐसा ही कुछ नाम है साहब। साहब वो कल सुबह से जिम गया है, अभी तक नहीं लौटा और हमें बताया भी नहीं कि वो कहाँ जा रहा है। फोन भी नहीं किया और अब उसका फोन भी नहीं लग रहा है साहब। हमने लगभग सारे दोस्तों को पूछ लिया लेकिन किसी को भी नहीं पता कि जयेश गया कहाँ है। ऐसा कभी हुआ नहीं है साहब। एक ही लड़का है मेरा,
पूरे घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर है साहब। फोटो लाए हैं उसका? हाँ सर। आप लोग आइए हमारे साथ। क्या हुआ सर? जवान बेटे की मौत ने कुसुम को अंदर से तोड़ कर रख दिया था। जयेश अपने घर का इकलौता कमाने वाला जिम्मेदार सदस्य था। आखिर किसने एक सीधे साधे इंसान को मौत के घाट उतार दिया था? जयेश और लड़की के बदन पर भारी चोटों के निशान थे। लड़की के साथ घिनौना अपराध होने के भी संकेत थे। क्या है इन दोनों हत्याओं के पीछे का राज? संतोष ये आई, टिफिन दे। वो आली। अरे कल आए थे कि नहीं? क्या है? दो दिन से वैशाली का फोन नहीं आया। मेरे जाके जरा पता कर, मुझे लगता है किसी मुसीबत में तो नहीं है। अगर तुमको इतनी चिंता है तो खुद जाके ढूंढो ना उसे। टिफिन दो ना। ओ आली, अरे देख क्या बड़बड़ा रहे, वैशाली वैशाली कर रहे और बोल रहे उसको फोन लगा। और कोई काम नहीं है क्या मुझे? ओ तुम ही पन्ना, दिखता नहीं वो काम पे जा रहा है। ए तू घे जामी बकते हैला। रती तीसरा फोन आला होता ना, क्या बोल रही थी वो? अरे पता नहीं क्या बड़बड़ कर रही थी, मर चुकी है वो हमारे लिए। झोप तिकड़ो गपचुप। ओ फोन तो दे, मैं फोन करता। घे खुद ही ले ले। अरे देना। ए, गिर गया मैं। ए, उठा ले, उठा मुझे। हे देवा, कब मरेगा ये? मर तिकड़च। चल चल। देखिए मैं समझ सकता हूँ कि पूछताछ करने के लिए ठीक टाइम नहीं, लेकिन आपने बताया था कि जयेश की अपनी जिम थी जहाँ वो खुद ही ट्रेनर था। क्या उसकी किसी से कोई दुश्मनी थी, कोई लफड़ा या कुछ और? नहीं सर, वो बहुत ही अच्छा लड़का था, किसी के साथ दुश्मनी नहीं सर। अच्छा उसका किसी से कोई अफेयर था या प्यार? नहीं सर, वो बहुत ही जिम्मेदार और सुलझा हुआ लड़का था, वो ये सब चक्कर में नहीं पड़ता सर। कोई तो ऐसा होगा जिसकी जैश से नहीं जमती थी, कभी कोई झगड़ा हुआ हो, उसने आपको बताया हो या आपको खुद ही बताओ? सर उसका सिर्फ झगड़ा मेरे पति आशुतोष के साथ था। किस बात पे हुआ था झगड़ा? साहब आशुतोष की और मेरी शादी लव मैरिज हुई थी, लेकिन शादी के बाद आशुतोष एकदम बदल गया साहब। जयेश को पहले से ही शक था, आशुतोष मुझे मारता पीटता है। जब ये सब उसने अपने आंखों के सामने देखा तो उसने बर्दाश्त नहीं हुआ सर, वो मुझे उसी वक्त घर ले गया। जयेश पर बहुत जिम्मेदारियां थी साहब, अपनी बीमार माँ, अपनी छोटी बहन किरण की शादी। साहब वो हम सब के बारे में बहुत सोचता था, भगवान करे ऐसा भाई मुझे हर जन्म में मिले। अच्छा आप अपने घर में रहने कब से आई हैं? 6 महीने हो गए साहब। ठीक आप जा सकते। निशानदार इस आशुतोष की कुंडली निकालो। सुधा ने जो बताया उससे ये लगता है कि आशुतोष एक शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी है और इसके पास मोटिव भी है जयेश को मारने का, क्योंकि जयेश सुधा को अपने घर ले आया था। सर लेकिन अगर मारना ही होता तो 6 महीने इंतजार क्यों करता, उसी वक्त कुछ कर देता। हो सकता है कि आशुतोष ने अपने मन ही मन ये ठान लिया था कि जयेश को अपने रास्ते से हटा देगा। निशानदार जिम और मोहल्ले में पता करते हैं, वहीं से सारी बातें साफ होंगी। चलो। कैसा लड़का था जयेश? सर जयेश बहुत अच्छा लड़का था। जयेश का कभी किसी से झगड़ा हुआ था क्या? जयेश और झगड़ा ऐसा हो ही नहीं सकता साहब, वो तो अपने काम से काम रखता था, उससे किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। हम सबके लिए भाई जैसा था वो, दिल से भी बहुत अच्छा था वो। अरे देवा कैसे गिर गई तू? क्या करूं मैं, इतना खून बह रहा है, क्या करूं मैं? अरे इतना चोट कैसे लगा इसको? साइकिल से गिर गई। मैं इसको चौपी हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, आप आ जाओ फटाफट। सर जयेश से कभी मदद मांगनी नहीं पड़ती थी,
पता नहीं कैसे उसे पता चल जाता था, वो मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। जयेश जैसा लड़का आजकल की दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। सर ऐसा समझो कि जयेश भाई थे तो ही जिम था, सबसे उनकी बहुत अच्छी बनती थी। सर जिम के खुलते ही उनके नाम पर 40 लोगों ने जिम ज्वाइन कर लिया। इतना अच्छा समझाते थे फिटनेस के बारे में। हाँ ऐसे नहीं, फुल फोकस फुल एनर्जी। ओके देखो हमें बॉडी के हिसाब से नहीं बल्कि बॉडी को अपने हिसाब से रखना चाहिए। यू नो व्हाट पिंकी, फिटनेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस। अगर तुम सही तरीके से एक्सरसाइज करोगी, फोकस्ड रहोगी तो हमेशा फिट रहोगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। इन लोगों से पूछताछ से जयेश की जिंदगी का एक पहलू हमारे सामने आ चुका है, लेकिन उसकी जिंदगी का कोई दूसरा पहलू जरूर है जो अभी तक सामने आना बाकी है। सर शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से जयेश की मौत ब्रेन हेमरेज से हुई है, और सर जिस तरह की चोट है उसे देख के लगता है कि इसे घात लगा के मारा गया होगा। हो सकता है किसी से पुरानी दुश्मनी रही हो। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में सभी ने जयेश की तारीफ की है, बस एक आशुतोष है जिससे जयेश की नहीं बनी। तेरी पत्नी सुधा कहाँ है? सर वो तो अपने मायके गई है। अरे मायके गई है या मारपीट के भेजी है तूने? सर वो जयेश, जयेश कहाँ है? साहब वो तो अपने जिम में होगा ना। जिम में नहीं है, उसका खून हो गया। खून? हाँ, और ये भोलेपन की एक्टिंग मत कर हमारे सामने, समझा? हमें सब पता है। सर सच बोल, तेरा लफड़ा हुआ था ना जयेश के साथ, तूने ही मारा है ना उसे? मैंने जयेश को नहीं मारा साहब। सर बहुत दिन से तो मैं उसे मिला भी नहीं हूँ। मिला नहीं तो क्या हुआ, उसके नाम की सुपारी दी होगी किसी को। बोल, किसको दी थी सुपारी उसके नाम की? बोल। अरे साहब ये क्या बोल रहे हैं आप? उसको मारने के लिए ना मुझ में हिम्मत थी ना ताकत, वो मेरे औकात से बाहर था साहब। हमें बताए बिना शहर के बाहर मत जाना। वैशाली कहाँ गई रे तू? तेरे अपाहिज बाप। बाबा। हाँ? पापा ये देखिए। अरे 2 महीने लगे लेकिन आखिर ट्रस्ट वालों ने दे ही दिया। अब टेंशन की कोई बात नहीं है। पूरा दिन ऐसे लेटे लेटे उप जाते हैं ना, पर अब कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको रोज इस पे घुमाऊंगी। और एक बार मेरी नौकरी लग जाए आपको अपने साथ लेके जाऊंगी। बेटा चिंता मत कर, वो है ना मेरा बप्पा। ए गणपति बप्पा। सुकिरा के कदर को बेटा। बाबा तू ए वैशाली, ए वैशाली। जयेश के केस की तहकीकात में भयंदर पुलिस सक्रिय थी। भयंदर के ही जंगल में उस लड़की की लाश मिली थी। 3 दिनों में 2 कत्ल के संगीन मामले सामने आने से मुंबई भयंदर के रिहायशी इलाके में सनसनी फैल गई थी। बाबा मुझे बचा लीजिए। सर लगता है रेप करके मारा है। शानदार, सब लोग पूरे एरिया को अच्छी तरह से सर्च करो, शायद कुछ मिले। सर देखो उधर। सर आसपास अच्छे से सर्च किया, स्ट्रगल के कोई निशान नहीं है। इस लड़की का कोई सामान भी नहीं मिला जिसे आइडेंटिफाई किया जा सके कि लड़की है कौन, सिर्फ ये डायरी मिली। ये तो किसी मजदूर की डायरी लगती है, इसे अच्छे से चेक करो, देखो किसकी डायरी है। सर कहीं ऐसा तो नहीं इस लड़की को मारा कहीं और गया हो और यहाँ लाके फेंक दिया? सर हमें जयेश की बॉडी भी आधा किलोमीटर दूर मिली है। अभी 3 दिन पहले इसी इलाके के पास हमें लाश भी मिली है। इसकी फोटो आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो और आसपास के मंदिरों में इसकी फोटो दिखाकर पूछताछ करो, आसपास की बस्तियों में भी पूछो, शायद कोई इसे जानता हो, और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर सुधा तूने जानबूझ के मेरा नाम पुलिस को बताया ना ताकि मैं फंस जाऊं, जेल में चला जाऊं। अब वो लोग मेरे पीछे हाथों के पड़े हैं। बोल मैं क्या करूं, कहां जाऊं मैं? बोल
अपने भाई के केस में मुझे फंसाना चाहती है ना? हाँ, तेरा जो भाई है ना, जिसके भरोसे इतना नाच रही थी तू, वो तेरा भाई तो गया, अब तेरा क्या होगा? कौन बचाएगा तुझे? तू क्या है ना? पुलिस मौके वारदात से मिली डायरी से जुड़ी हर छानबीन कर रही थी। शहर के कोने कोने में उसकी तस्वीर भी लगाई गई थी ताकि जल्द से जल्द उस लड़की की शनाख्त हो सके। मेरा बेटा मर गया। मैं भी मरती हूँ, तुझे भी मार देती हूँ। तुझे तो बहुत पहले मार देना चाहिए था, मेरे बेटे को निकल गई तू। तू क्यों आई यहाँ? तू क्यों आई यहाँ? तेरे वजह से मेरा बेटा मर गया। सर, जयेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार है। डॉक्टर का फोन आया था, आपसे बात करना चाहता हूँ। चलो। विक्टिम की पूरी बॉडी पे चोट के काफ़ी निशान हैं, इसलिए हमने डिसाइड किया कि इसका एक्सरे कराएं। और एक्सरे कराने से हमें पता चला कि काफ़ी अंदरूनी चोटें हैं, फ्रैक्चर्स हैं। ये फोरआर्म के हड्डी का हाल देखिए, और काफ़ी बुरी तरह से इसके हाथ को तोड़ा गया है। और ये देखिए घुटने की हड्डी का हाल, इसके कैल्सिफिकेशन से पता चलता है कि ये तकरीबन एक साल पुरानी चोट है। कुल मिला के काफ़ी इंजरीज हैं। जयेश खुद जिम का ट्रेनर था और कराटे चैंपियन भी, उसे इस तरह कोई मार सकता है ये एंगल मेरे गले नहीं उतर। लेकिन इतना जरूर है कि जयेश की जिंदगी का कोई दूसरा पहलू भी है। साहब नारियल तो देखा होगा आपने, अपना जयेश भी एकदम नारियल माफी की था, ऊपर से एकदम सख्त और अंदर से नर्म। साहब झगड़ा तो दूर की बात, कभी किसी को पलट कर जवाब भी नहीं दिया। हुकुन, तुम जयेश के सबसे करीबी थे, कभी कोई ऐसी बात जो जयेश ने तुम्हें बताई हो या तुमने खुद नोटिस की हो? साहब ऐसा कुछ तो हुआ नहीं था, लेकिन हाँ एक चीज नोटिस की थी साहब, वो मैसेज में बात करता था मोबाइल। क्या हुआ, किसको अकेले अकेले मैसेज कर रहा है? कुछ नहीं यार, ये बस ऐसे ही, मुझे कुछ काम है, मैं मिलता हूँ तुझे, ठीक है? क्या बात है, प्रॉब्लम है क्या? चल ना बैठते हैं। नहीं यार कोई प्रॉब्लम नहीं है। साहब मुझे बड़ा अटपटा सा लगा था, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं था। कभी उसकी किसी से कोई लड़ाई हुई, कोई बहस, चाहे छोटी मोटी ही सही? हाँ साहब, एक साल पहले की बात है, हमारी चौल की लड़की को दो लड़कों ने छेड़ा था। ओए होए पलट, नजर तो देख। अरे आजा आजा, अरे पलट, अरे आजा इधर आ। अरे क्या हुआ यार, कुछ प्रॉब्लम है यार? लड़कियों को छेड़ रहे हो तुम लोग? क्यों बे, ये तेरे बाप की गली है, और तेरी बहन लगती है वो, इसको छेड़े रेप करे, हम कुछ भी करे, तू कौन होता बोलने वाला? चल निकल 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 चल निकल। साले देख लूंगा तुझे। बाद में उस लड़के के साथ जयेश की दोस्ती हो गई थी, पता नहीं कैसे, पर उसे कई बार जयेश के साथ देखा गया था, और उसने हमारे साथ जिम खुलवाने में मदद भी की थी। एक पल में दुश्मनी और दूसरे पल में दोस्ती, नाम क्या है इस दोस्त का? साहब वीरेंद्र नाम है उसका। सर वीरेंद्र शहर के बाहर है, मैसेज छोड़ दिया है। और सर ये रही उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। मुझे लगता है जयेश और इस लड़की के केस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। दोनों को बड़ी बेरहमी से मारा गया है, और दोनों की बॉडीज भी आधे किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिली है। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से लड़की की मौत जयेश के मौत से तकरीबन 6 घंटे बाद हुई। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जहां से हमें जयेश की बॉडी मिली वहां पर जयेश और ये लड़की दोनों आपस में मिले हो? हो सकता है किसी ने उन्हें वहां पर देख लिया हो, और किसी बात पर उन लोगों का झगड़ा हुआ हो, और जयेश को मारने के बाद हथियारों ने लड़की के साथ गैंगरेप किया और उसको कहीं और फेंक दिया। निशानदार, इस लड़की की फोटो जयेश के दोस्तों और मोहल्ले वालों को दिखाओ, शायद किसी ने इस लड़की को जयेश के साथ देखा। लड़की की शिनाख्त की कोशिशें तेज कर दी गई थी, आसपास के सभी इलाके बड़ी बारीकी से छाने जा रहे थे। एक सीधे साधे और जिम्मेदार इंसान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कई सनसनीखेज सच सामने आए थे जो यकीन से परे थे। क्या जयेश कुछ छिपा रहा था? क्या चल रहा था उसकी जिंदगी में? ऊपर से शांत दिखने वाले जयेश के अंदर क्या तूफान पनप रहा था?
उस लड़की से उसका क्या कनेक्शन था। इस डबल मर्डर केस की पुलिस बड़ी बारीकी से जांच कर रही थी, लेकिन पेचीदगियां सुलझने का नाम नहीं ले रही थी। अब तक संदिग्ध लोगों में सिर्फ आशुतोष ही उभर कर सामने आया था। क्या वाकई उसने अपनी दुश्मनी निभाई थी? क्या जयेश की मौत आशुतोष के बदले की शक्ल में सामने आई थी? सर, मैंने जयेश के जानने वाले सारे लोगों से पूछताछ की, लड़की की फोटो भी सबको दिखाई और जयेश का कॉल रिकॉर्ड भी वापस से क्रॉस चेक किया। सर, मामला बिल्कुल क्लीन है, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं। हेलो सर, वो डायरी वाले लड़के का पता चल गया। गुड, हम लोग आ रहे हैं। जी सर। सर, डायरी वाले का पता चल गया। गुड, चलो। सर सर, वो रहे दोनों। हेट पाक, रुक सर, रुक पाक, हेट रुक पाक, रुक मिसाइल पाक, बहुत जल्दी पाक, रुक जल्दी पाक, रुक कर, रुक अब। पहचानता है डायरी को? हाँ साहब, ये मेरी डायरी है साहब। तूने रेप किया था उस लड़की का? हाँ तूने रेप किया ना? जो हमारा दोनों को बोल, कैसा जानता दोनों को बोल? दोनों को सब, वहां तो वो लड़की अकेली पड़ी थी साहब। क्यों मारा उस लड़की को? माँ कसम साहब, अपने किसी को नहीं मारा साहब। सब हम तो जंगल से जा रहे थे, तभी उस लड़की को। भाई पुलिस को फोन करते। अबे पगला गया क्या? हाँ तेरे को जन्नत दिखाता हूँ, मजे करते हो मजे। और साहब हम वहां से चले गए साहब, लेकिन फिर भी वो लड़की जिंदा थी साहब। तुम लोगों की वजह से उस लड़की की जान चली गई। शर्म आती है तुम्हें इंसान कहते हुए। तुम्हारी जगह कोई जानवर भी होता ना तो तरस खा के मदद करता उस लड़की की। तुम लोगों की वजह से मर गई हो। पहचानता है इसको? नहीं सब। दो मिनट के मजे के लिए ना अब सरना सारी जिंदगी जेल में। सब गलती हुआ सब गलती हुआ साहब। सर अब तक ना ही किसी ने इस लड़की को पहचाना है और ना ही कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाने आया। हमने हर तरह से पूछताछ की, लेकिन ये लड़के रेप के अलावा कुछ एडमिट नहीं कर रहे। अगर इन लोगों ने जैश को नहीं मारा है, फिर जैश को किसने मारा है? और ये लड़की वहां कहां से आई? किसने अधमरी हालत में लड़की को वहां फेंका? क्या कनेक्शन हो सकता है जैश का इस लड़की के साथ? अगर कोई कनेक्शन नहीं है तो कहीं ऐसा तो नहीं इस लड़की की वजह से जैश को मारा गया हो और जैश की वजह से इसे? लेकिन सर ये लड़की है कौन, अभी तक तो हमें ये भी नहीं मालूम। ठीक है रो निशानदार, अपने पूरे खबरी नेटवर्क को एक्टिवेट कर दो, कहीं ना कहीं से कुछ हाथ जरूर लगेगा। और वो वीरेंद्र आया क्या? सर कांस्टेबल तैनात है, आते फोन हो जाएगा। तू आजकल फोन पे ज्यादा चिपकने लगी है। तुझे क्या मतलब है? तू अपने काम से काम रखना। क्या बोली? यही कि तू अपने काम से काम रख, मेरी जिंदगी में ज्यादा दखल मत दे, समझी? तेरा दिमाग है ना ज्यादा चलने लगा है। अगर जयेश होता ना तो इस ढंग से मेरे से बात नहीं करती तू। आई 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 देखिए मुझसे कैसे बात करी है किरण। आई तू इसे कुछ देख। आई जयेश के साथ मृत पाई जाने वाली लड़की का अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। पुलिस पूरी शिद्दत से उसके परिवार तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। सर जयेश की मां गुजर गई। कैसे? दिल का दौरा पड़ा था। अपने बेटे की मौत का सदमा लगा होगा। हेलो ठीक है सर, वीरेंद्र जिसे जयेश का झगड़ा हुआ था वो आ गया। चलो
वीरेंद्र पाटिल आइए सर बैठिए। इट्स ओके। जयेश गणेशपुर को तो जानते ही होंगे। जी सर अच्छे से जानता हूँ। मैं बैंकॉक गया हुआ था और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट से वापस आया हूँ और आते से ही मुझे पता चला कि उसके साथ ऐसा हादसा हुआ है और उसकी उसकी माँ भी चल बसी है। बड़ा ही अच्छा बंदा था सर। तुम्हारा तो झगड़ा भी था ना उसके साथ? सर आप भी क्या बचपन की बातें लेकर बैठे हैं सर, वो तो बहुत पुरानी बात है। उस झगड़े के बाद तो सॉरी यार, कल गुस्से में कुछ ज्यादा ही, कुछ दिल पे मत लेना यार। एक्चुअली तू सही था, मैं गलत था। इट्स ओके। मुझे दुश्मनी नहीं पालनी। दुश्मनी का तो कोई सवाल ही नहीं है, वो मैंने भी सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट किया था। तो फिर दोस्ती पाल लेते। श्योर। वीरेंद्र जयेश से जिम शुरू करना था, मैंने पैसे लगाए और उसने मेहनत और हम दोनों पार्टनर बन गए। वो जिम शुरू करने के लिए मैंने 10 लाख रुपए जरूर लगाए थे, लेकिन वो जिम सिर्फ और सिर्फ जयेश का था। वो चलता था तो सिर्फ जयेश की वजह से। अब पता नहीं मैं सुधा दीदी से कैसे मिलूंगा, मिलके क्या कहूंगा, समझ भी नहीं आता। ठीक है ईशानदार, रेलवे पुलिस से संपर्क करो, उस जगह पर दोबारा से छानबीन करो, शायद कुछ हाथ लगे। सर रेलवे ट्रैक के पास ये बैग मिला है और बैग में ये आईडी थी। आखिरकार उस लड़की के बारे में उन्हें पता चल गया, उसका नाम सामने आया, वैशाली। तो क्या पुलिस को उनके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे? क्या जयेश और इस लड़की का कनेक्शन सामने आ जाएगा? क्या नाटक लगा रखा है? तुझे भी कुछ दिनों में तेरी लड़की के पास ही जाना है। एक मिनट। हे क्या साहब? ये इस लड़के को पहचानते हैं आप? जहाँ से वैशाली की लाश मिली उससे थोड़ी दूरी पर इसका भी मर्डर हुआ। आप पहचानते हैं इसे? नहीं साहब, मैं नहीं जानती इसको। तो फिर आप वैशाली के बारे में बताइए, आखिरी बार उसका कॉल आपको ही आया था, क्या कहा था उसने? काय बोलना साहब, बोल रही थी बाबा मुझे बचा बाबा वो लोग। आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो किस मुसीबत में है, क्या कहना चाहती है? मला काय माहिती साहब, वो क्या कहना चाहती थी, वो किस मुसीबत में थी, फोन ही कट हो गया। अच्छा आप वैशाली के बारे में बताइए, वो क्या करती थी, कहाँ जाती थी? पागल थी वो क्या करती थी साहब, कहाँ जाती थी किसी को कुछ मालूम नहीं है। यहाँ तक कि वो हर काम अधूरा करती थी, पढ़ाई अधूरी, नौकरी अधूरी, यहाँ तक कि उसकी शादी भी अधूरी रह गई थी। कैसे नहीं करेगी शादी तो? आई मैं नहीं करेगी शादी, मेरे को नहीं करनी है शादी, बाबा को तुझे करनी पड़ेगी। ए भाई, अरे का तीजा पार्टी लग ले, अरे नहीं दिला लग रहा करे तो मत करने देना शादी। कब बस है तुम्हीं, मदी मदी बोलू नका, कर लेना शादी तो तुझे करनी पड़ेगी। मेरे से पूछा किसी ने? पूछने की क्या जरूरत है, उम्र हो गई है तेरी शादी की। तो तेरा भाई आया ना बाबा, तो वो तुझे बराबर बताएगा तू शादी करेगी या नहीं करेगी। मत रो बेटा। साहब भले ही मैं उसके ऊपर चिल्लाई, मगर उसकी भलाई के लिए मैंने उसे बहुत समझाया, मगर वो भाग गई। अरे चुप करो, कितना खासोगे, दिखता नहीं मैं बात कर रही हूँ? सबको मौत आती है, तुम्हें नहीं आती? अपनी लड़की के पास जाना है क्या अभी? एक मिनट, पहले आप पानी पिलाइए, उसके बाद बात करेंगे। जाइए पानी लेके आइए। क्या दुनिया को मौत आती है, पता नहीं तुझे कब आएगी, कब मेरे से पीछा छोड़ेगा। आपका दिमाग तो ठीक है, कोई इस तरह पानी देता है अपने पति को? मुझे बहुत काम है, मुझे अंदर खाना बनाना है, मैंने जो बताना था बता दिया। आप वैशाली के बारे में कुछ बताना चाहते थे? जी सर, मेरी बेटी बहुत अच्छी थी, लेकिन ये दोनों माँ और बेटे उसको बहुत मार देते साहब, उसको बेचना चाहते थे साहब। क्यों रे? आई बोल रही थी तू शादी नहीं करेगी, नहीं करेगी शादी, तू नहीं करेगी, नहीं करेगी, बहुत हिम्मत आई है तेरे में, अभी पर काटता हूँ तेरे में। उसी दिन रात को वो मेरे पास आई। बाबा मेरे को नहीं करनी है शादी, और उस आदमी से तो बिल्कुल भी नहीं,
पापा कुछ कीजिए ना। मेरे पास कुछ थोड़े बहुत पैसे थे, मैंने उसको दे दिया और कहा जा जा यहां से तू। जयेश और वैशाली को बुरी तरह से टॉर्चर करके मारा गया था। जयेश का दूसरा पहलू सामने आ गया था, जहां एक तरफ उसकी साफ सुथरी छवि थी, वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल उससे उलट मारपीट लड़ाई झगड़े के किस्से। जयेश के बदन पर वो घाव, वो इंजरीज किस तरफ इशारा कर रहे थे? जयेश के मामले में ना तो अब तक कोई लव अफेयर का एंगल सामने आया था और ना ही किसी गहरी दुश्मनी का। वैशाली की मौत की गुत्थी भी अब तक अनसुलझी थी, जिसे सुलझाने में पुलिस को नाकों चने चबाने पड़ रहे थे। लेकिन इन दोनों ही केसेस में पुलिस पूरे संयम के साथ अपनी कोशिश कर रही थी। सर, वैशाली के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि उसकी सबसे ज्यादा बातचीत किसी रुखसाना नाम की लड़की से होती थी। सोशल नेटवर्किंग साइट पे काफी सारी फोटोग्राफ्स हैं दोनों की। बुलाओ उसे। सर। अच्छा बताइए, उसका किसी के साथ कोई अफेयर था या किसी से कोई दुश्मनी? सर, उसके दुश्मन तो उसके माँ और भाई थे, बाकी वो बहुत केयरिंग और अच्छी लड़की थी सर। रुखसाना, मेरा पहला चेक वैशाली शिरके 12,000 ओनली। फाइनली मिल गया तेरा पहला चेक। अब तो एक काम कर, जल्दी से शादी कर ले। नहीं यार, 12,000 में क्या होगा, अभी तो पहले मुझे जल्द से जल्द पापा को यहाँ लेके आना है, फिर उसके बाद कोई समझने वाला लड़का मिला तो कर लेंगे शादी भी। सब अपने बाबा के लिए बहुत इमोशनल थी सर, हम सबकी मदद करती थी, कोई उसे मदद मांगे तो कोई मना नहीं करती थी सर। अच्छा, उसका कोई बॉयफ्रेंड था? इसे जानती हो? नहीं सर, मैं इसे नहीं जानती सर। उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था सर। ठीक है, आप जा सकती हैं। क्यों मारा है वैशाली को और उस रात तू कहाँ था? सर, मैंने नहीं मारा है उसे, मैं तो उस रात अपने दोस्त के घर पर था। झूठ मत कर। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आई शपथ। कौन है ये दोस्त, कहाँ रहता है? रहता है नहीं, रहती है। रहती है मतलब? लड़की है, उसका नाम गीता है सर। मैं गीता से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन वो अमीर घर से है, इसलिए पैसे कमाने के लिए दुबई जाना चाहता हूँ, और एजेंट को पैसे भी देने थे इसलिए। पैसे नहीं थे हमारे पास, तभी वैशाली का शादी का रिश्ता आ गया, वो लोग पैसे देने के लिए तैयार थे, उम्र में बड़ा था वो उससे। लेकिन वैशाली किसी भी कीमत पर मानने के लिए राजी नहीं थी सर। अरे साहेब, मरना था तो कम से कम शादी तो करके मर जाती, अपने भाई की जिंदगी सवार जाती, पगली कहीं की। शर्माती है तुम जैसे लोगों को देखकर, तुम लोगों ने तो रिश्तों की परिभाषा ही बदल दी। इसे गीता का एड्रेस लो और उसे लेके आओ। यस सर। उस रात संतोष मेरे साथ ही था, ये बात सच है कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन मेरे माँ बाप संतोष को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। सर, ये रुखसाना तो जयेश के बारे में कुछ जानती नहीं है, और उधर जयेश के घर वाले और दोस्त वैशाली के बारे में कुछ नहीं जानते। सर, मैंने दोनों के कॉल रिकॉर्ड को बारीकी से चेक किया, दोनों के बीच में कभी कोई कॉल और मैसेजिंग नहीं है। फैक्ट्स और इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं, लेकिन अगर हमें जरा सा भी शक हो तो चेक जरूर करना चाहिए। जयेश का पूरा घर दोबारा छान मारते हैं, शायद कुछ हाथ लगे। सर, आप हमें जयेश के कमरे की तलाशी लेनी। फ्लैट की खरीदारी के पेपर्स, 15 लाख। जयेश ने 15 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा था। जयेश ने आपको बताया कि ये 15 लाख रुपए वो कहां से लाया था? नहीं साहब, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम। आपकी बहन किरण कहाँ है? उसने शादी कर ली है, वो घाटकोपर में रहती है। नवीन एस्टेट एजेंट, थैंक यू। जी हाँ सर, फ्लैट के सारे पैसे उसने कैश में दिया था और वो रजिस्ट्रेशन के लिए आने भी वाला था, मगर आया नहीं, पता नहीं। इतना कैश पता लगाना होगा कि उसने किसी से उधार लिया था क्या? सर, हो सकता है किसी से उधार लिया और उसे चक्कर में सा खून हुआ। लेकिन बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, इतना बड़ा कैश उसे उधार दे कौन सकता है? मिस्टर वीरेन, जयेश आपका दोस्त था, आपने उसे घर खरीदने के लिए 15 लाख रुपए दिए
या नहीं दिए? सर मैंने आपसे कहा था ना सर कि मैंने उसे सिर्फ जिम शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए दिए थे। उसने कभी मुझसे फ्लैट खरीदने के लिए तो पैसे मांगे ही नहीं। मांगे होते तो शायद दे भी देता सर। इतना पैसा लगाया तुमने जिम पर, तुम पार्टनर भी थे, तो कोई रिटर्न एग्रीमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किए? हम दोनों तो दोस्त थे सर, और मेरे लिए इतना ही काफी था। हम दोनों तो जुबान के बहुत पक्के थे, वैसे भी हमारा सारा कारोबार तो जुबान पे ही चलता है ना सर। ठीक है जाओ। थैंक यू सर। निशानदार, एक बात मुझे हजम नहीं हो रही। इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जयेश अपनी हर चीज में बिल्कुल परफेक्ट था, पक्का और साफ सुथरा, हर चीज को रिटर्न में लेता था वो। फिर इस जिम के लिए ना तो उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और ना ही कोई एग्रीमेंट, और 15 लाख रुपए कैश। सर मुझे तो इस वीरेंद्र पे शक हो रहा है, क्योंकि बिना हिसाब किताब के लेन देन यही करता है। ये वीरेंद्र जरूर कुछ ना कुछ हमसे छिपा रहा है। अपना एक कॉन्स्टेबल सिविल ड्रेस में 24 घंटे इसके पीछे रखो, इसकी हर मोमेंट पे नजर रखो। सर बोलता है दीपक, कैसा है, क्या बोलते हैं भाई लोग? शुरू हो जाए। उस दिन जयेश की फाइट चल रही थी और जितनी बड़ी फाइट उतने पैसे। जयेश ने काफी फाइट जीती थी, उसी से उसके पास पैसे आए, चोटी भी उसी लड़ाई में लगी थी। लेकिन उस दिन की फाइट में वो अचानक लगी चोट से मारा गया, वो एक हादसा था। भाई ये मर गया भाई। चलो निकलो निकलो भाई, चलो निकलो 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 भाई, चल। पहले हम लोग वहां से भाग गए, फिर ख्याल आया जयेश की मौत से इलीगल फाइट के केस में हम भी फंस जाएंगे। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तुम लोगों ने मार दिया ना इसे, मैं पुलिस को बताऊंगी और तुम सब लोगों को जेल पहुंचाऊंगी। भाई इसने सब कुछ देख लिया है, सबको फंसा देगी ये, ये पुलिस को सब कुछ बता देगी। भाई कुछ करना पड़ेगा इसका। मार डालो इसको, मार डालो इसको, ए, पकड़ो इसको, पकड़ो इसको, पकड़, अरे पकड़, भागने मत दे उसको, पकड़। ए!
बाबा बाबा मुझे बचा लीजिए बाबा, वो लोग हमें उसे मारना पड़ा क्योंकि उसने हमारी इलीगल फाइट देख ली थी, फिर दोनों की लाशें अलग अलग जगह छोड़ दी और उसी समय मैं बैंकॉक चला गया। सर ऐसी इलीगल फाइट होती थी सर, और इसमें काफी पैसे बनते थे। जिस दिन मेरे और जयेश के बीच में झगड़ा हुआ था ना सर, तब मैं उस दिन समझ गया था कि इसमें बहुत दम है और ये फाइटर बन सकता है। जयेश को पैसों की जरूरत थी, उसे अपने परिवार के लिए घर खरीदना था, इसलिए उसने फाइट शुरू की सर। वो पैसे उसने फाइट से ही कमाए थे सर। उसे अपनी बहन की शादी करनी थी सर, बैड लक सर, वो उसने मारा गया सर। अपने फायदे के लिए कितने लड़कों की जान को खतरे में डाल रहा है तू? जयेश मारा गया और वैशाली का खून कर दिया और दोनों के परिवारों को बर्बाद कर दिया। अब सड़ यहां पैसा कमाने के नए नए तरीके हमेशा से ही आजमाए जाते रहे हैं, लेकिन इस होड़ में कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां इंसान की जिंदगी को खतरा हो सकता है। ऐसे अपराध ना सिर्फ जुर्म को बढ़ावा देते हैं बल्कि इंसानियत के लिए भी खतरा है। नौजवानों से हमारी गुजारिश है कि वो इस तरह के खतरनाक खेल ना खेले। जयेश ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए गलत तरीका चुना, जिसमें वो कामयाब तो हुआ लेकिन उसका सुख पाने के लिए वो जिंदा नहीं बचा। वैशाली की माँ ने वैशाली को कभी अपनी बेटी समझा ही नहीं, उसे सिर्फ अपने बेटे से प्यार था। अगर उसने अपनी बेटी में वो विश्वास जगाया होता, उसका साथ दिया होता, तो आज वैशाली जिंदा होती और उसका सहारा बनती। जिंदगी अनमोल है, इसे बेकार में ना गवाएं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को। सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।